सवाल आज सलमान खान वाले मामले में जो जमानत याचिका पे सुनवाई थी, आज जमानत याचिका पे सुनवाई थी, अभी विक्की गुप्ता की जमानत याचिका पे आज सुनवाई थी। माननीय न्यायाधीश महोदय आज उपस्थित नहीं थे, इसलिए 18 तारीख को जो है मामला जो है 18 तारीख को रखा गया है सुनवाई के लिए जमानत याचिका पे। वहीं बात करते हैं, आपकी तरफ से एक पत्र लिखा गया महाराष्ट्र सरकार के लिए, जेल अंजुम प्रशासन के लिए, और आपने कोर्ट में एक लेटर दिया, लेटर क्या है, किस किसी ने दिया? देखिये, हमारी तरफ से नहीं, आरोपी के परिजनों ने जो जेल न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध आरोपी है विक्की गुप्ता और सागर पाल, उनकी जान की सुरक्षा हेतु उन्होंने एक एप्लीकेशन किया है, आवेदन किया है संबंधित सभी सक्षम अधिकारियों को, ऐसा कि उनको जो है जेल में धमकी दी जा रही है। उनका कहना है कि डी कंपनी की तरफ से धमकी दी जा रही है और डी कंपनी कॉन्स्पिरेंसी के तहत उनकी हत्या करने की साजिश कर रही है। ये कैसे पता चला आप लोगों को कि इनको धमकी मिल रही है? अभी उनके उनके परिजनों ने उनसे रिसेंटली मुलाकात लिया था, जिसमें आरोपियों ने मुलाकात में अपने परिजनों को अपनी चिंता से अवगत कराया। कौन सी जेल में बंद है, जेल प्रशासन की तरफ से क्या कोई लापरवाही बरती जा रही है? तलोजा जेल में बंद है, हम ये नहीं कह सकते कि जेल प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन तथाकथित जो पीड़ित है वो प्रभावशाली है और उसके किसी एक गैंगस्टर से जो है या किसी एक अंडरवर्ल्ड कंपनी से रिश्ते जग जाहिर है, शायद वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके आरोपियों की हत्या कराना चाहता हो, ऐसा आरोपियों का आरोप है। किसको किसको आपने पत्र दिया है, लिखा है? मैंने पहले बता दूं, उनके परिजनों की तरफ से महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार को ये पत्र दिया गया है सुरक्षा के लिए। परिवार और क्या कह रहे हैं?